हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टॉक एडवाइस के ऊपर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरा पोर्टफोलियो। देखिए, मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था, तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाके चेक करिएगा। क्योंकि वो पोर्टफोलियो ऐसा था जो मेरे कुल पोर्टफोलियो का 75% जो वेटेज है वो वहां पर है, क्योंकि वो शेयर ऐसे हैं जो रिस्क फ्री है और ऐसा शेयर जिसको मैं हमेशा से कैरी करता आया हूँ और आने वाले समय में भी मैं कैरी करता रहूंगा। उसमें अगर देखा जाए तो HDFC लिमिटेड है, HDFC बैंक है, HDFC लाइफ है, उसके अलावा रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, HCL टेक हो गया, और तो और आरती इंडस्ट्री से लेकर इन्फोइज तक कई सारे शेयर्स वहां पर शामिल है। और इसके अलावा भी अब बहुत सारे शेयर्स हैं, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि मेरा जो पूरे पोर्टफोलियो का 75% जो वेटेज है वो उसी के अंदर है। तो वो हो गए थे सेफ शेयर कि भैया ये तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब बात करते हैं रिस्की शेयर्स, क्योंकि ये वीडियो उसी के ऊपर है, रिस्की शेयर्स के ऊपर है। और ये जो शेयर्स आज मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरे पोर्टफोलियो का 10 से 12% का वेटेज है, मतलब बहुत कम वेटेज आप मान के चल सकते हो। बाकी का 12 से 13% का जो वेटेज है वो मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन और थोड़ा बहुत इंट्राडे जो हल्का फुल्का मैं करता हूँ उसके लिए मैंने उसको रखा हुआ है। तो आज सिर्फ बात करेंगे उसी वेटेज के बारे में, उसी शेयर्स के बारे में जो मेरे पोर्टफोलियो का कुल 10 से 12% है, मतलब क्वांटिटी देखा जाए तो बहुत कम है उस शेयर्स, क्योंकि देखिए रिस्की भी है और देखा जाए तो बहुत ज्यादा मुनाफा देने वाले भी कभी कभी वो साबित हो जाते हैं। उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि देखिए मैंने कुछ शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए भी लिए थे, चाहे अदानी एंटरप्राइज हो, अदानी गैस हो, अदानी ग्रीन हो, अदानी पावर हो, या फिर अदानी पोर्ट हो, ये सारे शेयर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे। लेकिन एक साल में इतने ज्यादा बढ़ गए कि भैया वो प्राइस मुझसे हजम नहीं हुआ कि इतना तो नहीं बढ़ सकता है ये, तो डेफिनेटली मैंने उसको बेच दिए थे। और अभी मेरे पास सिर्फ अदानी पोर्ट ही है। और रिस्की शेयर्स की अगर मैं बात करूँ हाल फिलहाल में, तो रिस्की शेयर में सबसे पहला जो मेरा नाम आता है वो है सुबैक्स का। सुबैक्स तो मैंने काफी नीचे के लेवल पर खरीदा था और बाद में जब अच्छी खासी तेजी आई, अभी हाल फिलहाल में ही आई थी, तो मैंने डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लिया और वहां से मैं एग्जिट कर गया। क्योंकि डेफिनेटली कंपनी की अगर वैल्यूएशन की मैं बात करूँ तो बहुत ज्यादा वो हाई हो गया, तो बहुत ज्यादा इस ने जो रिटर्न है वो कमा कर दे भी दिया था, तो कोई पॉइंट नहीं था। क्योंकि देखिए गिरावट कभी भी आ सकती है ऐसे शेयर में, खास करके ऐसे दौरान में जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाईस पर ट्रेड कर रहा हो। और मार्केट जब अपने ऑल टाइम हाईस पर ट्रेड कर रहा हो तो भैया अपने घोड़ों पर लगाम हमेशा लगाना जरूरी होता है। और दूसरे शेयर्स मेरे बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, जो छोटे बैंकिंग शेयर्स हैं लेकिन काफी सस्ती कीमत पर अवेलेबल है, चाहे वो यस बैंक हो। हाँ, यस बैंक को मैं होल्ड कर रहा हूँ लेकिन मेरी बाइंग प्राइस इसकी भी काफी कम है, 12 रुपए के आसपास ही है, और मैं इसको कम से कम 2-3 साल के लिए होल्ड करने का मेरा प्लान है। उसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक, डेफिनेटली काफी टूट चुका है ये शेयर, रिजल्ट आने के बाद काफी बड़ी गिरावट यहाँ पर आई है, लेकिन फिर भी जो वेटेज है वो थोड़ा सा कम है मेरे पोर्टफोलियो में उसका। IDBI बैंक सरकार के अनाउंसमेंट के ऊपर काफी ज्यादा इसका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो देखिए सरकार की अगर जैसे अनाउंसमेंट होगी कि भैया इसका प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, डेफिनेटली मैं जो तेजी आएगी उसका फायदा उठा के यहाँ से एग्जिट भी कर जाऊंगा, तो वो चीज भी यहाँ पर है। और हालांकि ये सारे शेयर्स रिस्की शेयर्स की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि देखिए चल गए तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर नहीं चले तो हो सकता है कि 1-2 साल बाद भी आपको इसी रेंज में भटकते हुए देखने को मिल जाए। उसके अलावा दो ऐसे शेयर्स है जो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, जिसको मैं जनरली उतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, और वो है PC ज्वेलर्स और वक्रांगी। देखिए दोनों ही शेयर्स अगर आप देखें तो दोनों ही शेयर्स कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आरोप में फंसे हुए थे। वक्रांगी की बात हो या भैया PC ज्वेलर्स, तो भैया सबको पता है नीरव मोदी वाला कांड सबको पता है। तो दोनों ही शेयर्स काफी सस्ते कीमत पर जब अवेलेबल थे तब मैंने पोजीशन ट्रेड लिया था वहां पर, और अभी भी मैं उसको ट्रेड करके चल रहा हूँ, मतलब अभी भी मैं उसको खींच रहा हूँ। दूसरे कुछ शेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अभी पिछले 3-4 महीने पहले की ही मेरी बाइंग थी वो, और वो थी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जब से उन्होंने HDFC लिमिटेड के साथ जब से उनकी डील हुई थी तब से मैं इसको कैरी कर रहा हूँ, और अभी भी मेरा प्लान है कि एटलीस्ट उसको थोड़े कुछ और लंबे समय तक कैरी करके चलूंगा। एटलीस्ट 350 से 400 रुपये का प्राइस वहां पर आना चाहिए। अब बात करते हैं और कुछ शेयर्स की, तो वहां पर आता है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। हाँ, वो भी मेरे पोर्टफोलियो में है
लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ कि देखो ये वो शेयर्स है जिसकी क्वांटिटी मेरे पोर्टफोलियो में कम रहती है, मतलब जो रिस्क है मेरा वो काफी कम है, क्योंकि काफी नीचे के लेवल पर इनकी बाइंग है। और मैंने इसको तब उठाया था जब पिछले साल कोरोना आया था, तो बेल हो गया, इन्फीबीम हो गया, नेशनल एल्यूमिनियम हो गया यहाँ पर, तो वो भी मैं इसको कैरी करके चल रहा हूँ। और आने वाले समय में एटलीस्ट मैं ये जितने भी शेयर्स मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगेन मैं कह दूँ, मैं इसको हमेशा हर महीने या हर 2 महीने में मैं इसको चेक करता हूँ कि मेरी बाइंग कहाँ पर है, हाल फिलहाल में ये कहाँ स्टैंड आउट करता है, कितना इसका पी रेशियो है, कितना सस्ता है, कितना महंगा है, क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कौन से, वो सारी चीज़ें मैं चेक करता हूँ। और जब मुझे लगता है कि हाँ अब ये महंगा हो चुका है, तो भैया मैं बेच देता हूँ उसको। वो चीज़ भी यहाँ पर समझनी होगी। एक और शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है और वो शेयर है डेल्टा कॉर्प। देखिए डेल्टा कॉर्प की मैं बात करूँ, देखो देखिए कैसीनो का इनका बिजनेस है, और देखा जाए तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो गोवा में है, सिक्किम में इनको ऑपरेशन होते हैं, दमन में भी इनकी खुलने वाले हैं यहाँ पर। और देखिए कोरोना को ध्यान में रख के मैं यहाँ पर बेट ले रहा हूँ कुछ शेयर्स में, चाहे वो बेल हो, चाहे वो स्पाइस जेट हो, चाहे वो आइनॉक्स हो, चाहे वो पीवीआर हो। हालांकि जो सिर्फ डेल्टा कॉर्प मेरे पोर्टफोलियो में, बाकी के 3 शेयर जो मैंने बताए उसमें मैं बेट लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि देखिए कोरोना ना जैसा ही हटेगा डेफिनेटली इन 3 शेयर में आपको हैवी वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा बड़ी खरीदारी वहां पर आपको देखने को मिलेगी, जो अनलॉक की थीम है वो वहां पर प्ले आउट होती हुई नजर आएगी। तो इन 4 शेयर्स पर आप नजर रख सकते हैं, डेल्टा कॉर्प, स्पाइस जेट, आइनॉक्स और पीवीआर। देखो भैया 2 सालों से, मतलब 2 नहीं 1.5 सालों से लोग अपने घर के अंदर बंद है, थिएटर में लोग गए नहीं है, तो ऐसे में जो थिएटर में कई ज्यादा जो मूवीज है वो रिलीज होती हुई नजर आएगी, और लोग वहां पर जाएंगे थिएटर्स में और मूवीज को देखेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ऐसे में ये कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में अभी तो नहीं है, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ कि जैसे मुझे थोड़े और सस्ते मिल जाएंगे, कोरोना की थर्ड वेव अगर आती है ऐसे में थोड़े से और सस्ते मिलेंगे, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेड। उसके अलावा 2 और शेयर्स हैं, और उन दोनों शेयर्स का जो मालिकाना हक है वो है भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास, मुकेश अंबानी के पास है। पहला है हाथवे और दूसरा है आलोक इंडस्ट्रीज। आलोक इंडस्ट्रीज हम सबको पता है कि भैया बर्बाद हो चुकी थी, एनसीएलटी में से जाके मुकेश अंबानी ने वहां पर खरीदारी करी थी, और उसके बाद कंपनी की जो प्राइस है वो काफी हद तक इंक्रीज हुई थी, बाद में वो टूटा भी था, लेकिन चांसेस है कि अनलॉक का जो थीम आएगा तो वो यहाँ पर काफी अच्छे से प्ले आउट करेगा। और कंपनी के पास देखिए कैश की कोई इतनी ज्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि एक बहुत ही बड़े ग्रुप का बैकबोन इनके पास है। हाथवे की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली मुझे ये शेयर उतना ज्यादा पसंद तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर एक पोजिशनली ट्रेड लिया जा सकता है कि नीचे के लेवल पर बाइंग करो, ऊपर के लेवल पर आप यहाँ से बेचकर एग्जिट भी कर सकते हो। 2 और कंपनी है, और इसका भी अगर देखा जाए तो भैया मुकेश अंबानी के पास ही है, रिलायंस के पास ही है। एक है नेटवर्क 18 और दूसरा है टीवी 18। देखिए दोनों में मैंने जो कोरोना की जो अनलॉक वाली थीम थी उसको ध्यान में रख के पोजीशन बनाया था कि देखिए इनका, देखो चलो न्यूज तो चलो ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट का जो सेगमेंट है, वाईकॉम 18 हो गया, काफी सारी टीवी सीरियल्स वगैरह हो गई, कलर्स टीवी वगैरह हो गया, तो जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी, यहाँ पर बुक माई शो वो भी इन्हीं का है, तो वहां पर काफी ज्यादा चीजें प्ले आउट होती हुई आपको नजर आ सकती है। एक छोटा सा पेनी शेयर जिसको मैं पिछले 2 साल से कैरी कर रहा हूँ और मैं उसको भूल ही चुका हूँ, ठीक है, और वो है साइकॉम फॉर्मुलेशन। देखा जाए तो ये वो कंपनी है जो छोटी सी फार्मा कंपनी है, जो मैं लंबे समय से उसको कैरी कर रहा हूँ, 1.5-2 रुपए की बाइंग होगी मेरी उसके वहां पर, और अभी भी मैं उसको कैरी करके चल रहा हूँ। देखिए मैं उसको भूल गई, क्वांटिटी मेरी बहुत कम है, जो ना के बराबर का आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कह सकते हो, और मैं उसको खरीद के ऑलमोस्ट भूल ही चुका हूँ, और इसको मैं आने वाले समय में भी इसी तरीके से ट्रेड करना पसंद करूंगा। एक और शेयर है और वो है भैया टाटा ग्रुप का। टाटा ग्रुप का पैनी शेयर है ये, टाटा टेली सर्विस। 1 साल पुरानी बाइंग है, अभी भी उसको ट्रेड करके चल रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस दिन इनके सुपर ऐप की लॉन्चिंग होगी, जिस दिन अनाउंसमेंट होगी, ये शेयर दौड़ेगा, भागेगा, रुकेगा नहीं कभी भी। तो मैं अभी भी उसको कैरी करके चल रहा हूं, मेरी पोजिशनल बाइंग थी यहां पर, लेकिन जैसे ही मैनेजमेंट की अनाउंसमेंट हुई यहां पर कि हाँ जो भी बैकएंड का काम होगा सुपर ऐप का वो यही कंपनी मैनेज करेगी, और हाल फिलहाल में पूरा का पूरा टाटा टेली सर्विस को रिवैम्प किया गया है, पूरा का पूरा भैया इसका कह सकते हैं पूरे काया पलट हो चुके हैं इस कंपनी की अभी के लिए,
तो इसीलिए मैं अभी और इसको लंबा खींच रहा हूँ और आने वाले समय में कोशिश करूंगा, उम्मीद करता हूँ कि कंपनी इसी तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती रहे। एक और छोटा सा शेयर है जो केमिकल कंपनी का शेयर है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी जो कीमत है वो बढ़ने के चांसेस इसीलिए भी है क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले सेगमेंट में एक्टिव है और वो है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। तो उसको भी मैं पोजीशन, मैंने उसको ट्रेड लिया था, लेकिन अभी भी शेयर मुझे अच्छा, अभी भी मुझे लगता है कि अच्छा है, अच्छा पोटेंशियल है इस कंपनी में, अभी भी यहाँ से ये थोड़ा और ऊपर तक जा सकते, तो अभी भी मैं इसको कैरी करके चल रहा हूँ। तो ये कुछ शेयर्स थे जो मेरे पोर्टफोलियो में है और काफी रिस्की बैट है, जनरली मैं अवॉइड करने की सलाह देता हूँ यहाँ पर, लेकिन जब ये बहुत सस्ते कीमत पर मिलते हैं तो डेफिनेटली पोजीशन बनाने के लिए बारे में मैं कई बार वीडियोस मैंने बनाए थे और मैंने कहा भी है कि हाँ अब मुझे ये सस्ता लग रहा है, और मैं हर वीडियो में कहता भी हूँ कि अगर ये इस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये कुछ शेयर्स थे जो रिस्की शेयर है, अगेन मैं कह रहा हूं, मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि आप अभी जाके खरीदारी करें, क्योंकि देखिए ये जो खरीदारी थी वो काफी नीचे के लेवल पर है, ठीक है, काफी नीचे के लेवल पर है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा आपसे कि एनालाइज करिए इन शेयर्स को, रिस्क को समझिए और उसके बाद कोई फैसला करिए। पहले जो भी शेयर्स आप खरीदते हो, जो भी शेयर्स खरीदते हो, सबसे पहले आप एक बार उस शेयर के बारे में जानिए, उसका पी रेशियो देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखिए, कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग को देखिए, कंपनी पर कितना कर्ज है वो देखिए, कंपनी किस प्राइस पर ट्रेड कर रही है वो देखिए, कंपनी में क्या-क्या न्यूज़ चल रही है वो देखिए, वो सारी चीजें देखने के बाद फैसला करिएगा यहाँ पर। और अगेन मेरा पहला वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो है जहां पर 75% का जो मेरा अलोकेशन है वो वहां पर देखने को मिलेगा। और अगेन अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में कोई और शेयर शामिल करूंगा तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दिया करूंगा कि मेरे क्या क्या मैंने चेंजेस किए अपने पोर्टफोलियो में, जैसे कि अदानी ग्रुप को मैंने अपने पोर्टफोलियो से हटाया है, जैसे कि सुबेक्स को मैंने अपने पोर्टफोलियो से हटाया है, तो और भी कई सारे शेयर फ्यूचर में जब आएंगे जो मैं चेंज करूंगा तो डेफिनेटली आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म भी कर दिया करूंगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।